शिक्षक साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ऑनलाइन एकेडमिक मॉनिटरिंग के लिए एंट्री कैसे करना है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च बार पे टाइप करना है ssa.chhattisgarh.gov.in और सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। दोस्तों, ये वही वेबसाइट है जहाँ से हम बुक, यूनिफॉर्म और साइकिल की एंट्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू ब्लिंक हो रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक मॉनिटरिंग। दोस्तों, इस ऑप्शन के आ जाने से आप संकुल समन्वयक और अन्य अधिकारी लोग यहीं से ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस ऑप्शन को हम ओपन करके देखते हैं। ओपन करने पे इस तरह से आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक मॉनिटरिंग रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और यहाँ पे देख सकते हैं तीन ऑप्शन है, होम, लॉगिन, यूज़र मैनुअल, वीडियो। यहाँ से आप वीडियोस भी देख सकते हैं कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लॉगिन करना है और कैसे मॉनिटरिंग के बिंदुस को फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे चार बिंदु है। पहला है सिलेक्ट लेवल, यहाँ से लेवल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लस्टर को चूज़ कर लेता हूँ। इसके पश्चात सेकंड ऑप्शन है पोस्ट, तो यहाँ से पोस्ट है संकुल प्राचार्य, संकुल समन्वयक, अन्य। तो यहाँ से हम ले लेते हैं संकुल समन्वयक। इसके पश्चात यहाँ पे नेम लिखना है इन इंग्लिश। तो चलिए यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। ये मैंने नाम लिख दिया। इसके पश्चात मोबाइल नंबर फिल करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के पश्चात आपको चेक कर लेना है क्लस्टर, संकुल समन्वयक, नाम और ये मोबाइल नंबर। इसके पश्चात सबमिट करें बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट करें बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा इस तरह से, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट, तो ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो फिर से इस तरह से आ जाएगा, योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ओके। तो इस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन जो अधिकारी वर्ग हैं ये करेंगे। इसके पश्चात चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लॉगिन करके देखते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है लॉगिन ऑप्शन पे। लॉगिन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन आ जाएगा, एकेडमिक मॉनिटरिंग लॉगिन। सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट लेवल, पोस्ट, मोबाइल नंबर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम तीनों ही ऑप्शन फिल कर लेते हैं। तीनों ही ऑप्शन फिल करने के पश्चात लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में वेलकम मनोज वर्मा और राइट साइड में देख सकते हैं स्तर क्लस्टर पद संकुल समन्वयक इस तरह से आ गया है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और ऑप्शन है जैसे कि एकेडमिक मॉनिटरिंग प्रोफाइल, क्षेत्र का चुनाव, निरीक्षण। तो जैसे कि हम प्रोफाइल के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं नेम, मोबाइल नंबर। यदि इसमें अपना नेम चेंज करना है तो आप नेम चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकेंगे। फिर सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं क्षेत्र का चुनाव, तो यहाँ से क्षेत्र का चुनाव कर लेना है। चलिए इसे भी फिल कर देते हैं। सिलेक्ट मॉनिटरिंग एरिया, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है बेमेतरा। इसके बाद है सिलेक्ट ब्लॉक, ब्लॉक साझा। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट क्लस्टर, तो यहाँ से क्लस्टर ले लेते हैं बेलतरा। तीनों ही ऑप्शन फिल करने के पश्चात आपको सबमिट करें ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाएगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट, ओके, योर एरिया सिलेक्शन सक्सेसफुली। इस तरह से आप क्षेत्र का चुनाव करेंगे। थर्ड ऑप्शन है निरीक्षण, निरीक्षण को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है सिलेक्ट क्लस्टर, सबसे पहले क्लस्टर का चुनाव करना है बेलतरा। इसके पश्चात है सिलेक्ट स्कूल, तो यहाँ से आपको स्कूल का चयन करना है। आपके संकुल में जितने भी विद्यालय हैं सभी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 स्कूल है। तो जैसे कि आपको मॉनिटरिंग करना है गवर्नमेंट पीएस बेलतरा का, तो इसे हम क्लिक कर लेते हैं।
जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मॉनिटरिंग के पॉइंट्स ओपन हो जाते हैं। देख सकते हैं 5 पॉइंट हैं। पहला है, शाला में 80% से अधिक बच्चे 10 दिनों से लगातार नियमित रूप से शाला में उपस्थित हो रहे हैं। स्थिति यस आर नो, यहाँ से आप यस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यस पे क्लिक कर लेता हूँ। सेकेंड ऑप्शन है, सभी कक्षा में कक्षा अनुरूप लर्निंग आउटकम की प्राप्ति करने वाले बच्चों की संख्या 50% से अधिक है। यस, मुस्कान पुस्तकालय से 50% से अधिक बच्चे पुस्तकों का नियमित अध्ययन एवं पुस्तक आधारित गतिविधि में शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ से भी आप चयन कर सकते हैं यस आर नो। चलिए यहाँ भी मैं यस कर लेता हूँ। नेक्स्ट है चौथा बिंदु, कक्षा से 5 बच्चों का रैंडम चयन कर पठन एवं गणितीय कौशल का आकलन करने पर वे सही पढ़ एवं गणित कर पा रहे हैं। इसे हम यस कर देते हैं। अंतिम ऑप्शन है, विभिन्न विषयों के अध्यापन को प्रयोग प्रदर्शन के साथ जोड़कर समझ के साथ सीखना सुनिश्चित करने शाला के सभी शिक्षक नियमित रूप से प्रयोगों का सहारा लेते हैं। यस कर लेते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे आप कुछ कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट आप हिंदी यूनिकोड या फिर इंग्लिश में लिखेंगे। तो दोस्तों, हिंदी में लिखने के लिए आजकल जो कीपैड आ रहा है वो यूनिकोड में ही रहता है। आप बड़ी आसानी से यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं। इसके पश्चात आपको यहाँ सबमिट करें बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट करें बटन पे, तो आपका जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग का काम है सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरह बड़ी आसानी से आप अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।